माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो भाई हेडशॉट नहीं मार सकते हैं, संजी गन से नहीं मार पाते, तो वो लोग सर्च करते हैं कैसे है संजी गन से हेडशॉट मारे, या फिर किसी भी यूएमपी से, या फिर किसी भी दोस्तों उनकी गन जो होती है जिनके पास, जैसे कि एसएमजी में UMP-40 और या UMP आपकी MP5 या फिर कोई से संजी गन। तो अगर आपको रेड नंबर ओनली रेड नंबर हेडशॉट मारना है SMG गन से हैकर्स वाले, तो आप दोस्तों मार सकते हो इजी तरीके से। और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ही कमाल का होने वाला है और आप लोग इजी तरीके से मार पाओगे। तो अभी आप देखिएगा मेरे हेडशॉट बहुत ही कम लग रहे हैं, बट अभी देखिएगा मैं कुछ सेटिंग्स करूँगा एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करूँगा, जिसके बाद दोस्तों मेरी जो हेडशॉट लगने की जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा, लगभग दोस्तों 50% हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से मैं रेड नंबर के ओनली फॉर हेडशॉट मार रहा हूँ, बट इससे अच्छे मैं मार सकता हूँ। और अभी आप देखते रहना, तो कुछ यहाँ पर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन करना है और कुछ यहाँ पर सेटिंग्स करनी है, इसके बाद दोस्तों आप इजीली हेडशॉट मार पाओगे। देख सकते हो दोस्तों ओनली फॉर रेड नंबर। तो भाई कैसे मैं मार रहा हूँ ना इजीली तरीके से, अभी इससे ज़्यादा मैं मारूंगा, ओनली फॉर रेड नंबर जाएगा भाई, बॉडी शॉट तो जाएगा ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके से बॉडी शॉट के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे अभी जा रहा है ना ऐसा बॉडी शॉट नहीं जाएगा, ओनली फॉर रेड नंबर और बहुत ही कमाल का। तो कैसे, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक काम करना है, तो देखिए सबसे पहले हम बैक करेंगे और जाएंगे लॉम्बी में। तो सबसे पहले हमें करेक्टर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है ताकि हेडशॉट मारने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको एक एक्टिव करेक्टर कोई सा भी लगा लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा करेक्टर लगाना है, आप एक करेक्टर आता है दोस्तों, देखिए मैं अभी सेलेक्ट करूँगा, वो है हमारा DV करेक्टर। देखिए DV करेक्टर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करेक्टर है। ये देखिए यहाँ पे क्या करता है, आपकी जो फायरिंग जो मूवमेंट स्पीड है उसको बढ़ा देता है एंड एक्यूरेसी को ये इंक्रीज़ कर देता है 60%, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट करेक्टर सेलेक्ट करना है वो करना है बॉलफ्रा। तो देखो बॉलफ्रा जरूर ऐड कर लेना एंड इसके बाद बस दो करेक्टर ये मेन है, इनको जरूर यूज़ करना, बाकी कोई करेक्टर आप लगाओ या ना लगाओ, बट यहाँ पर देख सकते हो DV एंड बॉलफ्रा जरूर यूज़ करना। एंड इसके बाद अब हम जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, और हम दोस्तों ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने आ चुके। अब देखिएगा यहाँ पर जो हेडशॉट है ना वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा हेडशॉट का रेट। तो यहाँ पर अब मैं गन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलो फटाफट से मैं अपना UMP ले लेता हूँ एंड एक हमारा जो है ना MP40 ले लेता हूँ। तो बंदे सबसे ज़्यादा यही SMG में चलाते हैं MP40 और UMP। तो आप देखिएगा ओनली फॉर रेड नंबर, देखिएगा रेड नंबर आया ना, तो यहाँ पर ओनली फॉर आपका रेड नंबर आएगा। देख सकते हो आप किस तरीके से मेरा रेड नंबर ओनली फॉर रेड नंबर आ रहा है और बॉडी शॉट बहुत ही कम आएगा आपका दोस्तों। इस तरीके से देख सकते हो कितने इजी तरीके से हेडशॉट मारना है। और जो आपके टिप्स है ना, आपको एक काम करना है सेटिंग में दोस्तों, आप जाके यहाँ पर सेंसिटिविटी में जाके इसको फुल कर लें। देखिए अगर आपका जो हेडशॉट है, जैसे कि आप जब फायरिंग करते हो, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने इस तरीके से यहाँ पर ये जो बटन ना इसको ऊपर तक इस तरीके से आपको ड्रैग करना है, देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ऊपर के लिए इस तरीके से आपको ड्रैग करना है, ठीक है। देखिए बंदा ऑटोमेटिक, ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रैग करना है, ठीक है। आप जब ड्रैग करते हैं ना, अगर आपका जैसे यहाँ पर बॉडी पे चिपक जाता है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जब आपने ड्रैग कर रहा है बॉडी पे रह जा रहा है, तो आपको क्या काम करना है ना, सेंसिटिविटी को अपने बढ़ा लेनी है, ठीक है। चाहे आप कहीं से सेंसिटिविटी बढ़ाइए, चाहे आप वहाँ डेवलपर ऑप्शन में जाकर थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, 20-30 या 50 कर सकते हैं, ज़्यादा मत करिएगा। एंड इसके बाद अगर आपका शॉट जो है जैसे कि ऊपर से जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं ऊपर से शॉट निकल रहा है, ठीक है, ऊपर से अगर आपका शॉट निकल रहा है, तो आपको पता क्या करना है, सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब नीचे से मतलब कि बॉडी फिर से पकता है शॉट, तो यानी कि आपकी सेंसिटिविटी कम है, और अगर आपका शॉट ऊपर जा रहा है, मतलब जो गन का फायर है ना ऊपर जा रहा है, सर के ऊपर से निकल रहा है, तो आपको यहाँ को सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप रेड नंबर के ओनली हेडशॉट मार पाओगे। देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से मैं मार रहा हूँ, ये देखिए। और थोड़ा सा हमेशा और एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब आप फायरिंग करते हैं, ठीक है, तो फायरिंग करते के समय आपको एक बात याद रखना, कभी भी आपको इस तरीके से फायरिंग नहीं करनी, जैसे बंदा आ गया आपने मार उसको एकदम पूरा ट्रिगर पर रखकर उसको भून डाला, ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्के से हाथ से इस तरीके से आपको लेना है और थोड़ा सा हल्के से ड्रैग करना है इस तरीके से, और आपको बस जितना ड्रैग हो ना उतना ही आपको ड्रैग करना है, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, मतलब इस तरीके से मार ऐसे ड्रैग करते जा रहा है ऐसा नहीं करना। और जब आपका देखें कि हेडशॉट नहीं लग रहा है, तो अपना ग्लू वॉल वगैरह डाल दें, और किसी बंदे के हेडशॉट लगने को होगा तो 10-15 गोली में ही लग जाएगा, फिर 3-4 गोली में काम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फायर नहीं करना, मतलब इस तरीके से कंटिन्यूस फायर नहीं करना, इससे क्या होता है कि आपको रिकॉल बढ़ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपके हेडशॉट दोस्तों लगने लगेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक पॉइंट जरूर याद रखना कि इसको एम को थोड़ा सा छोटा कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना इस चीज़ को, ठीक है। आपको ये जो फायर बटन है इसको छोटा करना है, इससे क्या हो कि आपका हेडशॉट इजीली तरीके से लग पाएगा।